بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى اما بعد محترم ناظرين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلسله 40 احاديث صحيح البخاري كبار في مجلس میں اپ سب کا دل سے استقبال اج کی حديث. حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج

नापसंदीदा चीज़ों से घेर दिया गया है इस हदीस से पाक में जहन्नम को शहवात यानी ख़्वाहिशात नफसानी से घेर दिया गया है और जन्नत को मकारे यानी नापसंदीदा चीज़ों से घेर दिया गया है शहवत उनकी जमा शहवत हर वो चीज़ जो इंसान को अल्लाह से और हजूर करीम आल ही सलात वाम की तालीम से दूर ले जाए आँख की ख्वाहिश ये होती आँख की ख्वाहिश ये है कि ग़लत देखा जाए ये आँख की ख्वाहिश है कान की ख्वाहिश ये है कि ग़लत सुना जाए दिल के और दिमाग़ की ख़्वाहिश ये है कि ग़लत तस्वुर किया जाए और ग़लत दिल में किसी बात को सोचा जाए ये चीज़ें इंसान को बहुत दूर ले जाती हैं और इंसान महसूस भी नहीं कर पाता आँख को सही इस्तेमाल करना आँख को अल्लाह और उसके रसूल आलि सलात सलाम की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करना ये बहुत मेहनत और बहुत ही कद्द और बहुत ही रियाज़त की इसको ज़रूरत पड़ती है इसी तरह जन्नत को मकारह से घेर दिया गया अब आप थोड़ी सी देर के लिए सोचिए आँख ग़लत देखती है फ़ौन गलत की ग़लत उसको इस्तेमाल न होने दें सही इस्तेमाल करना जबान गलत बोलती है कंट्रोल करके फ़ौर इस ज़बान को सही बात की तरफ़ लाना कानों में ग़लत बातें जाती हैं कानों पर कंट्रोल करके फ़ौर कानों पर ग़लत बातों की रोक लगाई जाए दिल दिमाग में ग़लत तस्वूर आते हैं फ़ौन कंट्रोल करके इनको सही रुख पर लाया जाए ये मेहनत और खौफ खुदा और बहुत ही रियाज़त की इसमें ज़रूरत पड़ती है अल्लाह पाक हम सब को ख़्वाहिशात नफसानी पर कंट्रोल करने वाला बनाए और जन्नत के हसूल के लिए सवर, तहमुल और अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक हमको चलने वाला बनाए अल्लाह पाक इस हदीस पाक को हमारे लिए हमारी ज़िंदगी का इसको अल्लाह पाक इस हदीस को हमारी ज़िंदगी का सही चलने का रास्ता इस हदीस से अता फ़रमाए कि अल्लाह पाक ने हज़ूर करीम आल सलाम से वो बातें कहलवाई हैं जो हर इंसान के लिए हमेशा हमेशा के लिए हमेशा हमेशा के लिए सही रास्ते पर चलने की तलकन करती हैं व आखिर उदावाना अनिलहमदिल्ल रबीआलम